हे गाइस, वेलकम बैक टू अंशिका हेल्दी फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटर पनीर रेसिपी, जो कि मैं इसे वाइट ग्रेवी में बनाऊंगी आज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना पनीर, जो कि मैंने 250 ग्राम पनीर है जो कि मैंने कट कर लिया है। आप अपने साइज से क्यूब्स इसके कट कर सकते हो, छोटे बड़े। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिनकी ग्रेवी बनाई है, 4 मिर्च डाल के। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफल मटर लिए है। यहाँ पर मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून पनीर मसाला। बस मैं यही मसाले यूज करूँगी यहाँ पर। बहुत ही कम मसालों में मैं ये मटर पनीर की वाइट ग्रेवी वाली रेसिपी रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें जीरा ऐड किया है। जीरा सिजल होने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हींग ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब अपनी हींग ऐड करने के बाद मैंने ग्रेवी रेडी की है। यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ अदरक डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ग्रेवी से पहले 1 इंच अदरक लिया है, जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 4 टमाटर हैं और 4 ही हरी मिर्च की ग्रेवी बनाई है। टमाटर ज़्यादा रेड नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास रेड हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट थोड़े कम रेड होंगे तो हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा वाइट कलर आएगा। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले मैं यहाँ पर इनसे ज़्यादा मसाले नहीं लूँगी, बस मैं यहाँ पर बहुत ही कम मसाले में अपनी ये ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। इनको मैं 1-2 मिनट पका लूँगी मसालों को। यहाँ पर मेरे मसाले, ऑयल सेपरेट होने लगा है मसाले से। अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी लूँगी 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने क्रश करके मिक्स कर दूँगी इसमें। अब मैं यहाँ पर मैंने ये मावा है, जो कि हाफ़ कटोरी के, हाफ बाउल के करीब मैंने ये मावा लिया है। यहाँ पर मैंने ये भी कद्दूकस कर लिया था मावा भी, इसको भी मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे 1-2 मिनट पका लूँगी। अब मैं यहाँ पर क्रीम यूज कर रही हूँ। ये क्रीम मैंने मलाई से बनाई है। आप चाहो तो मार्केट की भी क्रीम यूज कर सकते हो। अगर आपको क्रीम की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको मलाई से क्रीम बनाना शेयर ज़रूर करूँगी। अब मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने दूँगी। जो भी मेरी बाकी मलाई बची है बाउल में, उसे भी मैं डाल दूँगी इसी में, और इसे मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, जिससे कि अच्छी तरीके से कुक हो जानी चाहिए। इससे ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ये क्रीम अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होने लगा है इससे। अब मैं यहाँ पर मटर डाल दूँगी, जो कि सफल मटर है मेरी बाउल की भी, और पनीर भी ऐड कर दूँगी। दोनों को एक साथ डाल के मिक्स कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अगर मुझे ये गाढ़ा लग रहा है हल्का सा ग्रेवी, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बहुत थोड़ा ही ऐड करना है। अब मैं पानी डाल के इसे 3-4 मिनट के लिए
कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। अब मेरे यहाँ पर इसमें उबाल आने लगा है। उबाल आते के साथ ही मेरी ये सब्जी बस रेडी है। आप इसे पूड़ी पराठे रोटी नान के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका फ्लेवर डिफरेंट आता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के ही साइड में बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ और आप मेरी रेसिपी का इंटरेस्ट ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।